हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सत श्रीकाल स्वागत है आपका भारत एक मौज में और जो मौज हो रही है वो जग जाहिर है किसी से छुपी नहीं है अब तो बाहर के लोगों को भी दिखने लग गया है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं आज का भारत एक मौज दोस्तों प्रधानमंत्री की इतनी मेहनत के बावजूद इतने जोर लगाने के बावजूद भी बंगाल में उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे और ये बड़े दुख की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री ने आ, मतलब आ, किसी भी चीज की परवाह करे बिना अपनी पूरी जी जान पूरी मेहनत बंगाल इलेक्शन पे लगा दी थी उन्होंने इतना एफर्ट मारा इतना एफर्ट मारा और बंगालीज ने सब रिजेक्ट कर दिया अब खुद आप अपने आप को प्रधानमंत्री की जगह रख के देखो अगर आप किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करोगे इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं आप करोगे मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान में जो पेंडेमिक फैला है वो तो आपको पता ही उससे लोगों की मौतें हो जा रही हैं शमशान घाटों पे कब्रस्तानों में जगह नहीं ऑक्सीजन के लोग लिए लोग बिलख रहे हैं उस सब की परवाह करे बिना कि इंटरनेशनल मीडिया में क्या इमेज बनेगी और किस तरह की खबरें छपेंगी प्रधानमंत्री के बारे में और इंडिया की गवर्नेंस के बारे में उसकी भी परवाह नहीं करी है और सोचो हिंदुस्तान जैसे गर्म देश में मतलब जहां का मौसम इतना गर्म है वहां पर इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ाना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है इलेक्शन के लिए किया गया था इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपको वो रिजल्ट ना मिले आप एग्जाम में फेल हो जाओ तो कितना बुरा लगेगा आपको जरा प्रधानमंत्री की तरफ से सोचें इतना कर्मठ मतलब अपनी पार्टी को लेके इतना समर्पित समर्पित प्रधानमंत्री आज तक इस देश में सत्तर साल में नहीं हुआ ये पक्की बात है पूरा आप कुछ भी कहने चाहेंगे मतलब इकोनॉमिकली इनकी ज़रूरत थी उनको आ, हम, हमारे देश को इस टाइम लीडरशिप की ज़रूरत थी या हमारे देश को इस टाइम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी एक भी चीज़ की परवाह करे बिना पूरी ईमानदारी और मेहनत से हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल के इलेक्शन पे फोकस किया और पूरी मेहनत लगाई पूरा जोर लगाया और तो और उन्होंने दीदी और दीदी भी बोल दिया मतलब क्या पूरा गाना ही गा देते क्या और क्या चाहिए यार वेस्ट बंगाल को इतना कुछ तो कर दिया उसके बावजूद भी आपने इनको हरा दिया और हराने के बाद जो है फिर वहां पे सुना दंगे फसाद भी शुरू हो गए अब वो बेचारे करें तो क्या करें यार अट्ठारह अट्ठारह तो, घंटे तो पहले ही काम करते थे अब उसके बाद ये वो आई डोंट थिंक य डिजर्व दिस यार कि इतना इतना ज़्यादा बुरी तरीके से हरवाना ये कोई ये कोई को अच्छी बात नहीं है आई आई डोंट एग्री विद दिस ऊपर से ये फॉरन मीडिया जो है ये बेमतलब में पीछे पड़ गया है भाई ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी अमीश ओम कश्यप वगैरह वगैरह को इनको फॉरन मीडिया में नौकरी नहीं दिलवा सकते लेकिन इसका मतलब ये है कि मीडिया कुछ भी बोलता चला जाएगा कभी सेंट्रल के ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं कि इंडिया में लोग आ, मर रहे हैं और इनको सेंट्रल विस्तार की पड़ी हुई है भाई कमाल करते हो आज से पचास साल बाद क्या किसी को ये याद रहेगा कौन कौन मरा था ये याद रहेगा कि ये सेंट्रल विस्तार किसने बनाया था और वो विस्तार तो तभी भी खड़ा रहेगा ना कुछ तो कुछ तो सोचो आप इंडिया में रहते नहीं हो हमारा इंटरनल मामला है आप क्यों बोल रहे हो आगे कि हमारे प्रधानमंत्री को क्या बनाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन्होंने भगवान राम का घर बनाया तो क्या वो आदमी अपना घर बनाना डिजर्व नहीं करता है कुछ भी बोलते रहते हैं और छापे जा रहे हैं छापे जा रहे हैं उनको हिंदुस्तान के हालत पता है उनको मालूम है ये आदमी कितनी कितनी मेहनत करता है देश के लिए और करता आ रहा है इतने टाइम से वह कुछ भी लिख दिया अनाप शनाप और अब क्या करें इमेज खराब कर दी इन्होंने बेमतलब में काम कर तो हमें क्या करना इस टाइम के इस टाइम पे सबसे जरूरी काम बाकी सब चीजें छोड़ो यार बाकी सब चीजें तो मतलब ये तो कुदरत की वो है कि इस तरह के हालात यहां पे आ गए तो बदकिस्मती है इसमें कोई थोड़ी कुछ कर सकता है हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम क्या है इमेज बूस्ट करना और इस इमेज को बूस्ट करने के लिए अभी तीन सरकारी अधिकारियों को एक ट्रेनिंग दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे इमेज को बूस्ट करा जाए जो आपका कम्युनिकेशन है जो जनता के साथ वो कैसे पॉजिटिव होना चाहिए आई थिंक इट्स इट्स अ गुड थिंग टू डू राइट इन द मिडल ऑफ द पेंडेमिक क्योंकि सबसे जरूरी चीज इमेज है अगर आपकी इमेज अच्छी है तो सब कुछ ठीक है फिर आपको किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है लेकिन पीपल बिफोर जजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सो हार्शली प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट एन इजी टास्क इतनी मेहनत करने के बाद हारना और फिर उसके बाद जाके वापस प्रधानमंत्री गिरी करना देश में इट्स नॉट एन इजी टास्क अगर ऐसा होता तो आप नहीं बन जाते कुछ भी बोलते रहते हो यार और यूपी में देखो क्या मतलब कितने अच्छे दिन आ गए हैं मतलब ये जो अफवाहें फैल रही हैं खाम का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है बेड नहीं सुरेश रैना तक ट्वीट करे जा रहे हैं यार के हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए इतने बड़ा क्रिकेटर हो गए तू तो एक सिलेंडर का जुगाड़ नहीं कर सकता यार बेचारे सोनू सूद को हेल्प करने आना पड़ रहा है लेकिन इतना अच्छा हो रहा है गायों के लिए शेड बन गए आपको पता है गाय तक के पास ऑक्सीमीटर है हमारे हमारे उत्तर प्रदेश में आप आदमी की तो क्या बात करते हो गाय के ऑक्सीजन लेवल चेक होंगे और गाय के ऑक्सीजन लेवल से मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले इस तरह से बात चली थी टेलीविजन पे ही आके एंकर भी बोल रहे थे कि गाय इकलौता जानवर है जो ऑक्सीजन एक्सेल करता है तो इस टाइम उस गाय की बहुत सख्त जरूरत है उस गाय का ख्याल रखना बहुत जरूरी है अलबत्ता ये बात अलग है बहुत ढूंढने पर भी वो गाय मिल नहीं पा रही है जो जो ऑक्सीजन एक्जेल करती है जिससे ऑक्सीजन की कमी पूरी करी जा सके ये बात अलग है कि जो लोग ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है लेकिन इतने डिटेल में साइंटिफिक डिटेल में किसने जाना है देखो एक बात आप समझो पूरी कोशिश करी गई है यूपी सरकार के द्वारा कि इस क्राइसिस को सॉल्व करा जाए शुरू से ही इन्होंने सब चीजें ट्राई करी हैं आप उनको एफर्ट के लिए ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने इन्होंने एफर्ट नहीं किया इन्होंने गोबर से लेके गौमूत्र से लेके और गायत्री मंत्र से लेके और आ, हवन और थाली और दिए सब ट्राई किया है हैं? लास्ट में जब और ये, ये आपदा मतलब बहुत भयंकर आपदा है यार इसमें नई नई वर्क किया ये सब तो साइंस के पास आए साइंस से भी पूछा गया अब जाके वो साइंस से पूछ रहा है आईटी को बोला उन्होंने कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन बना दो लास्ट में आके ये साइंस में आके बोला गया ये भी ट्राई कर लो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन बना लो नाम ही तो बदलना है ये कौन सा मुश्किल काम है यूपी में ऑक्सीजन मिल नहीं रही वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है गौ माता के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्क्रीनिंग के बंदोबस्त के आदेश दे दिए गए

लेकिन तेजस्वी सूर्य इतना टैलेंटेड है कि उसके पास अभी से वो पका पकाया फल है अभी क्या हुआ आपको पता ही है कि वो बेंगलोर म्यूनिपैलिटी के एक कोविड सेंटर में जाकर उन्होंने बेड्स के स्कैम को अनकवर किया बिल्कुल सही बात है करना भी चाहिए एमपी का काम है उन्होंने स्कैम को अनकवर किया कि गलत लोगों को बेड मिल रहा है जिनको नहीं जिनको मिल, मिलना चाहिए वो बेचारे बिना बैठ के घूम रहे हैं गुड इसके लिए उनके नूर में मैं कहता हूं चार चांद लग जाए मजा आ जाएगा उनकी खूबसूरती और निखरे और और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे हार्ट बन के आए लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये क्या मदरसा है यहाँ पे ये सत्रह मुसलमान लड़की क्यों काम कर रहे हैं इतना टैलेंट है इनके अंदर कि अभी अभी से ये जो है ना ये वाली हरकतें पे इन्होंने मास्टरी हासिल कर ली है प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ये है कि इन सब चीजों का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो पड़ता है बेचारे मोदी जी के ऊपर अब फॉरन मीडिया तो गिद की तरह आंख लगा के अड़ गया है पे वो कोई कुछ लिख रहा है कोई कुछ लिख रहा है जैसे कि मैंने पहले बताया ऊपर से तेजस्वी सूर्य जैसे MP अपनी मतलब अपना सिक्का जमाने के लिए और मोदी जी की नजर में चमकने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और होते हैं बेचारे मोदी जी यार ये बिगट्री तो तुम्हारा मतलब तुम एक्सपर्ट हो इस फील्ड में इसको बाद में कर लेना बहुत टाइम मिलेगा पहले पेंडेमिक से तो जूझ लो इस टाइम आपदा में अवसर का ये मतलब नहीं था मोदी जी का यार तो इसमें तुम ये वाला अफसर मत ढूंढो बिगेटरी के लिए आपका बहुत टाइम मिलेगा और आप में अच्छा खासा टैलेंट है उसके लिए आप बहुत अच्छे से वो काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको छोटी सी विंडो मिली वहीं पे आपको चौका लगा देना है चीकी सिंगल ले लेना है नहीं 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 बहुत टाइम है बत, ये मत करो कि मोदी जी को और मुसीबत में मत डालो ऐसे वो कंगना रहा होता है बेमतलब में उसने ट्वीट कर दिया तो कि दो वाला विराट रूप लेके आओ क्या जरूरत है ये सब बोलने की यार बीस इक्कीस साल से उस चीज को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी उस चीज को बता मना कर रहे हैं कि ये मेरा ये पास मेरे पास मत लेके आओ बोला उन्होंने दोस्ती बनी रहे क्या है और सारे में पानी फेर दिया है? अब जो बीस इक्कीस साल के लड़के हैं ये लड़के लड़के हैं जिन्होंने वोट दिए हैं जिनको पता भी नहीं है कि क्या हुआ जिनकी मेमोरी में वो नहीं है वो भी गूगल करने लग जाएंगे सारा गुड़ गोबर कर दिया है इसीलिए कहते हैं मोदी जी मूर्ख दोस्त से ना बुद्धिमान शत्रु भला अब आपने दोस्ती किससे पाल रखी थी और मोदी जी को तो चिड़ना तो है ही यार बेचारे वैसे इतनी मुसीबत में ऊपर से ये सब और कंगना ने बोला पेड़ लगाओ ऑक्सीजन आई मोदी को आया गुस्सा उन्होंने कहा हटाओ सारे पेड़ सेंट्रल से सेमुन के लिए जामुन के पेड़ सब हटा ऐसा मैं कंगना की कोई बात नहीं मानूंगा दो एक्टर्स में सॉरी एक एक्टर और एक प्रधानमंत्री में बनी रहे तो माहौल अच्छा रहता है आर्ट फ्लरिश करती है कंगना को नहीं करना चाहिए था ऐसा सही किया बैन करके उसको देश तो ही ये देश चलाएंगे क्या अब आते हैं उस अहम सवाल पे जो अक्सर लोग आपके मुंह पे देखे मारते हैं कि इफ नॉट मोदी देन हु बिल्कुल जायज सवाल है मैं कह रहा हूँ इतने मुश्किलों तो, मुश्किल दौर में इतनी हार सामना करने के बाद और इतनी मेहनत के बाद इतनी हार सामना करने के बाद कोई कोई नेता दिखता है आपको जो फिर भी जिसके कैबिनेट के लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्वीट भेजते रहे कि थैंक यू मोदी जी आपने ऑक्सीजन दिलाई थैंक यू मोदी जी आपने जो है मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव किया थैंक यू मोदी जी आपने वैक्सीनेशन की ड्राइव को को आसान बना दिया थैंक यू मोदी जी फला थैंक यू मोदी जी डिम का है कोई और मिलेगा आपको ऐसा लीडर मतलब इतनी मुश्किल दौर में गुजरने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं जो मतलब मुझे और आपको शायद नहीं दिख रहा होगा भैया हमारे को हमारी नजरें कमजोर होंगी या हम कोई और दिक्कत होगी हमको लेकिन उनके एमपीस को तो दिख रहा है वो ट्वीट करके आपको बता रहे हैं कि मोदी सब कुछ कर रहे हैं सो इफ मोदी नॉट मोदी देन यार ऐसे तो कह दू मैं सोनू सूद मैंने पहले भी कहा क्योंकि वो तो वो भी सुरेश रैना की उसने हेल्प करी नी बडी लाइक मोदी कोई नहीं हो सकता तो जब आपसे कोई बोले कि इफ नॉट मोदी देन वही जीतेगा जिसे अपने काम से ज्यादा जुमलों पे भरोसा होगा तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज देखते हैं आगे क्या होता है बचते हैं या नहीं बचते हैं अगर बचे रहे तो दोबारा फिर से एक एपिसोड लेके आपके पास आऊंगा और फिर से मिलते हैं और देखते हैं क्या मौजें हो रही है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए और जितनी सावधानी हो सके बरतते रहिए और हाँ जाते जाते अभिसार शर्मा का ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी सुन लीजिए मिलते हैं जल्दी